यह कहानी है रायसर गांव की। रायसर के ठाकुर उस समय जैत सिंह राठौड़ करमसोत हुआ करते थे। रायसर ठाकुर जैत सिंह के साथ उनका पूरा परिवार तथा एक छोटा भाई खेत सिंह रहा करता था। दोनों भाइयों में बहुत मधुर संबंध थे। एक दिन ठाकुर जैत सिंह शिकार करने अकेले चले गए। बहुत रात ढलने पर भी नहीं लौटे। उनके छोटे भाई खेत सिंह ने भोजन नहीं किया, वह इंतजार करता रहा। किसी ने व्यंग्य कसा कि भोजन क्यों नहीं कर लेते, ठाकुर का इंतजार करने से क्या वह आपको रायसर की जागीर दे देगा। उन्होंने यह बात नहीं मानी, वे इंतजार करते रहे। देर रात ठाकुर लौटे, वे दोनों भाई भोजन करके सो गए। जनाना में रात को किसी ने इस व्यंग्य की बात कर सुनाई। सुबह उठते ही ठाकुर जैत सिंह ने अपने छोटे भाई खेत सिंह को बुलाकर रायसर की जागीर सौंप दी। स्वयं रायसर छोड़कर रवाना हो गई। गांव के लोगों ने उनको बहुत समझाया व मनाने की कोशिश की। रोड़े के धोरे तक मनाते हुए साथ आए। उन्होंने मनाना व समझाइश नहीं मानी। वहां से ऊंटवाड़िया काली के मंदिर गए। कुछ दिनों बाद वहां से काली की त्रिशूल लाकर रोड़े गांव में स्थापित की। आज वर्तमान में वहां कालका जी का प्रसिद्ध मंदिर है। वहीं पर पूजा व सेवा करने बैठ गए। उन्हीं दिनों बीकानेर राज का ऊंटों का टोला इधर नागौर में प्रवेश कर गया। इस टोले को रायको के लिए वापस लाना संभव नहीं था। वहीं घूमते घूमते जैत सिंह के पास आकर बात कही। उन्होंने टोला वापस लाने का आश्वासन दे दिया और उनको चिंता नहीं करने को कहा। वे अकेले गई और ऊंट सांडों के टोले को वापस लाकर रायको को सुपुर्द कर दिया। यह खबर कई दिनों के बाद बीकानेर महाराजा अनोप सिंह के पास पहुंची। करमसोत जैत सिंह से वे बहुत खुश हुए। वह ईस्वी संख्या 1677 में रोड़े की जागीर प्रदान कर दी। साथ में यह आदेश भी दिया कि सुबह से शाम तक घोड़े को दौड़ा कर जितनी सीमा दबाएं वह गांव रोड़ा की सीमा होगी। जैत सिंह ने अपना घोड़ा दौड़ा कर रोड़े गांव की सीमा खींची। शाम को नोखे गांव के कुएं पर पानी पीते हुए घोड़ा मर गया। उस कुएं तक रोड़े की सीमा है। पड़ोस में सीमा चरकड़ा कौलीसर खारा कुदसू बीकानेर व रायसर को छूती है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।